और ये मिस्टर अमू स्केटिंग करते हुए करतब दिखा रहा है। गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी वैंडरिंग सोल्स। और जैसा कि आपको पता था कि हम लोग एयरपोर्ट से डायरेक्ट अपनी मासी के घर पे आए हुए हैं, तो ये है दिल्ली कैंट एरिया और यहाँ पे हमारे कजन्स हैं, भाई बहन भाई है सारे हाँ इनके साले हैं सारे। तो हमने सोचा चलो रियली या श्योर व्हाट अबाउट यू बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए एक और ये जो पीछे पीछे जाते हुए सामने कैमरे को फोकस नहीं कर रहा है। अंकुश अंकुश हम कहाँ जा रहे हैं? हम मूवी देखने जा रहे हैं शायद शायद मूवी और हमें कुछ खाना चाहिए। चलो ठीक है फिर चलते हैं फिर दिखाते हैं कैंट एरिया आप सभी लोगों को। और यहाँ पे बहुत सारे मोर हैं। हाँ, तो हम आपको मोर भी दिखाएंगे दिखाएगी साक्षी आपको भी। ये देखिए गाइस यहाँ पे है मोर और एक बोरा दोस्तों पेड़ पे मोर चढ़ा हुआ है वो उड़ के इधर उधर जा रहा है। प्लीज अपने पंख फैला दो यार मुझे देखना है। नहीं फैलाएगा पहले उसके सामने मोरनी को लेके आओ तब वो नाचेगा। साक्षी अभी कुछ सिखा रही है मोर के बारे में कुछ बता रही है एजुकेशनल टिप। पैर को देख के रोता है तो कहते हैं। एक और दिख गया मुझे इतने सारे मोर हैं यहाँ पे। उसका नाम ही मोरनी बाग रख देना चाहिए। हाँ राइट मोरनी बाग ये देखो मोरनी आ चुकी है। मोरनी बागा बोले आधी रात। क्या क्या प्लान बना रहे हो? क्या पिज्जा खाने जा रहे हैं? क्या खाने जा रहे हैं? मैं पिज्जा नहीं खाता मैं बर्गर खाऊंगा। बर्गर या पिज्जा? पिज्जा और जो घर में मम्मी तुम्हारा तैयार कर रही है कह रही पनीर बनाऊंगी मैं। वो रात में चल जाए उस स्पेस बच जाएगी। सुबह चलेंगे 5 बजे। इसके अंदर तो स्पेस ही स्पेस है। क्या 5 बजे? मोर मैं बोल रहा हूं 6 बजे वहां पे नाचता है। हां बहुत देर तक एक दो घंटे तक नाचता है। अच्छा यार वो सब छोड़ो तुम्हारी दीदी ने जो तुम्हें गोली दी है कि पिज्जा खाने जाएंगे वगैरह उसकी डील करो बराबर। अरे वो कर देंगे डील इज डन। दीदी पे विश्वास करते हैं हम। बाहर चल रहे हैं। दीदी छोटी लग रही है भाई इतने लंबे हैं मेरे बताओ। झुक के चलो बॉडीगार्ड घूम रहे सारे भाई मेरे इतने लंबे हैं। तो प्लान में हो गया चेंज थोड़ा सा चेंज और साक्षी ने सबको बनाया बेवकूफ तो अब बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं। अब सुनते हैं इनसे ही। अब साक्षी कर रही है ऑर्डर। कितने हमें लगेंगे? 4 पिज्जा या कितने? आई एम जस्ट काउंटिंग कि हमें कितना पिज्जा ऑर्डर करना है अभी। हाँ तो हिंदी में भी बोल सकती हो। मैंने क्या बोला? आई एम जस्ट काउंटिंग। इतना ट्रशन मार रही ना भाइयों के सामने छोटे भाइयों के सामने हर कोई ना ट्रशन ही मारता है बस। Obviously, मैं यहाँ पे अभी पता क्या है सब कुछ मेरे फेवर में मेरे साथ इतने बॉडीगार्ड मेरे भाई और ये अकेला है बेचारा। इसने इन बेचारों से इतना काम करवाया ना अभी पिछले 4-5 घंटों में आए हुए होते हैं इसीलिए होते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स विल एग्री विद मी। और हम आए हैं अभी ये इनका ओपन थिएटर है और यहाँ पे लगी हुई है मूवी पूरा। तो सही है शो देख सकते हैं 83 मूवी लगी है। ओ भाई साहब जूस की शॉप पे आए कुछ डिसाइड हुआ तुम्हारा जूस का? ये भी चल रही है यहाँ पे चौपाल चल रही है चौपाल लगी हुई है डिसाइड कर रहे हैं कौन सा बर्गर कौन सा पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं अभी तक हुआ नहीं है डिसाइड। दूसरी बात तो दीदी ने हमारे उर्दू बना के हमको यहाँ आया तक लाए। अरे यार तुम्हारी दीदी को ना सिर्फ आती है भाषणबाजी करनी ठीक है? सही कह भाषणबाजी कर दी ये करेंगे ये ऑर्डर करते ये खाते हैं उसके बाद
दीदी ने धोखा दिया है हमें, दीदी ने धोखा दिया, दीदी ने दिया धोखा, ये देखिए ये है रिंकू को दीदी, यही है वो शख्स, यही है वो शख्स। हां हां वो भाई आज होगी दीदी मेहरबान भाइयों पे, कह रही मैं दूंगी आज ट्रीट, मैं दूंगी पार्टी। कुछ कहना चाहेंगे आप? बर्गर कर दिया, कर दिया ना, और पिज़्ज़ा का देख, कुछ बोलो, चंद चंद वर्ड बोलो अपनी दीदी के लिए यार। आज तुम्हें दीदी अच्छी बहुत है, खिलाती बहुत है, बहुत अच्छी दीदी है, बहुत अच्छी है। धोखा दिया है दीदी ने, धोखा दिया है, धोखा दिया है दीदी ने, बाहर जाने के बहाने अंदर घुमारी है यार। ऐसी है दीदी तुम्हारी, भाषणबाजी कर गई, कह रही पहले यहाँ घूमने चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आखिरी में गाइस हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, इतने सोच समझ के सबके सबने दिमाग लगाया कौन सा करें, रेगुलर करें या लार्ज पिज़्ज़ाज करें। तो अब क्या हो चुका है, पिज़्ज़ा यहाँ पे डिलीवर नहीं हो रहा है, हमें जाके पिकअप करना पड़ेगा वहाँ से, या फिर कैंसिल। पर सबसे सही तो इनका रहा ना, जो बर्गर ऑर्डर करने वाले लोग हैं, साइड में रहे यार, है ना, ऑलवेज ये पिज़्ज़ा वाले तुम दोनों थे ना, ये साथ में, हाँ मैं भी था। ये तो दल बदल गया ना अपना, कह रहा था पहले ही, ये तो जिधर खाना ये उधर, मैं खाने वाले साइड में रहता हूँ, जिस तरह खाना पड़ा मैं उस तरह जुट जाता। पिज़्ज़ा के नाम पे दीदी इनको चिप्स ला रही है, नकली वाला चिप्स, नकली वो भी नकली चिप्स, कॉपीराइट ना पड़ जाए इसने लिया है, मतलब हद हो गई है, सुबह से इतना काम करवाया और नाम पे सिर्फ एक चिप्स, मैंने काम कराया सिर्फ एक चिप्स भाई पे, मैंने काम कराया ये बताओ, ये बेचारा मासूम, मैं क्या काम, बेचारा ना भी नहीं बोल पाया किसी चीज के लिए, आपके हाथों के वो फेंक के आया, मैं क्या बोलते हो संतरे के दाने फेंक के आया, मुंह से निकाले हुए दाने,